मधुबनी में तालाब में डूबने से आज एक बालिका की मौत हो गई। अहले सुबह तालाब से शव को बरामद किया गया। यह घटना मधेपुर थाना क्षेत्र के फटकी गांव की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फटकी गांव के तालाब में डूबने से एक 5 वर्षीय बालिका की मौत हो गई है। घटना बीते शनिवार देर शाम की बताई गई है। सुबह में शव बरामद हुआ है। मृत बालिका की पहचान फटकी गांव निवासी वैद्यनाथ मुखिया की पुत्री सरस्वती कुमारी के रूप में हुई है। घटना की सूचना पर मधेपुर थाना पुलिस फटकी गांव पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया है। परिजनों के मुताबिक बालिका सरस्वती कुमारी गांव के ही चौक स्थित अपने पिताजी की दुकान से लिट्टी लेकर लौटी थी। नाश्ते के बाद वो चापकल पर पानी पीने गई। इसी दौरान पैर फिसलने के कारण वो चापाकल के आगे स्थित तालाब में लुढ़क गई, जिसमें डूबने से उसकी मौत हो गई। इस घटना से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मधुबनी में तालाब में डूबने से आज एक बालिका की मौत हो गई। अहले सुबह तालाब से शव को बरामद किया गया। यह घटना मधेपुर थाना क्षेत्र के फटकी गांव की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फटकी गांव के तालाब में डूबने से एक 5 वर्षीय बालिका की मौत हो गई है। घटना बीते शनिवार देर शाम की बताई गई है। सुबह में शव बरामद हुआ है। मृत बालिका की पहचान फटकी गांव निवासी वैद्यनाथ मुखिया की पुत्री सरस्वती कुमारी के रूप में हुई है। घटना की सूचना पर मधेपुर थाना पुलिस फटकी गांव पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया है। परिजनों के मुताबिक बालिका सरस्वती कुमारी गांव के ही चौक स्थित अपने पिताजी की दुकान से लिट्टी लेकर लौटी थी। नाश्ते के बाद वो चापकल पर पानी पीने गई। इसी दौरान पैर फिसलने के कारण वो चापाकल के आगे स्थित तालाब में लुढ़क गई, जिसमें डूबने से उसकी मौत हो गई। इस घटना से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मणिपुर से संवाददाता संतोष मंडल की रिपोर्ट। हम लोग को ये पता नहीं था कि कहां बच्चा डूब गया है, तो हम लोग गांव समाज को 5 लड़का गए तालाब में हुलकर देखे तालाब में, तो तालाब में बच्चा मर कर अलगा हुआ था। उसके बाद हम ग्रामीण को सहयोग से ऊपर किए। उसको बाद हम थाना को मधेपुर थाना को थाना पर लड़का गए तालाब में हुलकर देखे तालाब में, तो तालाब में बच्चा मर कर अलगा हुआ था। उसको बाद हम ग्रामीण को